सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय, ये आत्मचिंतन होना चाहिए। पिछले 4-5 सालों से हमारे किसान टमाटर सड़क पर फेंक रहे थे, तो उन किसानों के आंसू पोंछने ये सरकार नहीं गई। मेरे चुनाव क्षेत्र के एक प्याज उत्पादक किसान ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर खुदकुशी की। सरकार के खिलाफ कुछ भी मत सुनो, चुनाव छोड़ के देश के हालात मत देखो और विपक्ष के नेताओं को आइस करके उनकी बोलती बंद करो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं। सर, सरकार के इस कार्य पद्धति को देखकर गांधी जी के 3 बंदरों की याद आती है। सरकार के खिलाफ कुछ भी मत सुनो, चुनाव छोड़ के देश के हालात मत देखो और विपक्ष के नेताओं को आइस करके उनकी बोलती बंद करो। सर, कैसे विश्वास करें इस सरकार का जो महंगाई पर नहीं बोलती, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ के आंकड़े तो फेंकती है लेकिन पर कैपिटा इनकम पर नहीं बोलती। माननीय गृह मंत्री जी ने कल बहुत सही बात कही कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए अर्थव्यवस्था जब 5वें पायदान पे पहुंचती है तो पर कैपिटा इनकम में देश 141 रैंक पे है, तो क्या देश की सब संपत्ति ये चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में सिमटती जा रही है? सर, ये सरकार ने कई भाषणों में किसान सम्मान निधि की बात की लेकिन सर किसान सम्मान निधि की बात हुई लेकिन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में 4 से 5 गुना इजाफा हुआ, इसकी बात नहीं की। अभी माननीय अर्थमंत्री जी बोल रही थी तब उन्होंने टमाटर के बारे में इंटरवेंशन की बात की, लेकिन सर पिछले 4-5 सालों से हमारे किसान टमाटर सड़क पर फेंक रहे थे, तो उन किसानों के आंसू पोंछने ये सरकार नहीं गई। सर, वही हाल आज प्याज के दामों का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मेरे चुनाव क्षेत्र के एक प्याज उत्पादक किसान ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर खुदकुशी की और इसका कारण आपके गलत निर्यात धोरण है। सर, 63 मून्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी 13,000 इन्वेस्टर्स का सर लास्ट कंक्लूड सर 63 मून्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी 13,000 इन्वेस्टर्स का नुकसान करती है, 5,600 करोड़ का घपला करती है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की सरकार एनपीआईडी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई नहीं करती। ये किसके बलबूते पे, किसके इशारे पे होता है? और इसलिए जो आम आदमी की सरकार नहीं है, ऐसी सरकार पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। सर, सिर्फ लास्ट में एक लाइन में कंक्लूड करता हूँ। सर, एक लाइन में कंक्लूड करता हूँ। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार देकर नवाजा गया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, लेकिन उसी के साथ याद दिलाना चाहता हूँ लोकमान्य तिलक जी की उस एक लाइन को, सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय, ये आत्मचिंतन होना चाहिए।